दोस्तों, दो दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से जो हम दीपावली के त्योहार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वहां जो प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को कैसे ये लोग बनाते हैं, जूते पहनकर उस प्रसाद के ऊपर ये लोग घूमते हैं, वहां गंदगी पसरी है, इस प्रकार की एक फैक्ट्री का हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था कि हम लोग कई बार कई खबरें करते हैं तो छोटी छोटी कई जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी दुकानदारों को नहीं बल्कि बड़े जहां पर फैक्ट्रियां हैं वहां जाकर के देखो कितनी वहां पर गंदगी है, कैसे ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो उस खबर के बाद आज जो है खाद्य विभाग की ओर से उस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, उसके सैंपल लिए गए और फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया है। बिल्कुल ये जरूरी भी था क्योंकि आप सोचिए कि हम जिस स्थान पर पूजा करते हैं उसे पवित्र स्थान मानते हैं, वहां भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपावली का त्यौहार हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है और उसी प्रसाद के ऊपर इस तरीके से ये लोग जूते पहनकर चलते हैं। जिस प्रसाद को हम भगवान को चढ़ाते हैं वह गंदगी फैली पड़ी है, प्रसाद जिस शक्कर के प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हाइड्रो पाउडर डाला जाता है, अनहाइजेनिक को पहले स्थिति पूरी वहां जाके देखो इतनी सारी अनियमितताएं वहां पर होती हैं कि और वहां पर कोई किसी तरीके से कोई देखरेख नहीं और सिर्फ इस पैसों के लालच में लोगों की भावनाओं के साथ जो ये खिलवाड़ करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई है। तो आपको ये बता दें कि हमारी टीम द खटक जब वहां पर पहुंची थी पहले तो ऐसी हालात दिखी, उसके बाद हमने पूरी खबर दिखाई और आज उस खबर पर संज्ञान लेते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर गिरधारी राम और उनकी पूरी टीम फैक्ट्री पहुंची जहां पर सैंपल लिए गए और पूरे मामले को लेकर वो जांच पड़ताल शुरू करवा दी गई और फैक्ट्री को बंद करवा दिया है। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपको अगर कहीं पर भी दिखे वहां पत्रकार हो या प्रशासन आए जरूरी नहीं है, आप लोग भी जागरूक होकर के अगर किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीख लो क्योंकि ये लोग जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये सब जो है वो चलता रहेगा। और आपसे ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई कहीं और ऐसा चल रहा है तो हमें बताइए, हम वहां पर जाएंगे और दिखाएंगे कि ये सब देखिए किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं क्योंकि इससे सीधी सीधी इंसान की भावना जुड़ी हुई होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की अगर कहीं पर होगी तो हम लोग जरूर वहां पर आएंगे और उस चीजों का खुलासा कर उन पर कार्रवाई करवाने तक हम दम नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।